This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है। आज प्रतिशत का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन उसने? क्वेश्चन मार्क का पार्ट सही 1/3% बराबर 150। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/3 × 100 बराबर 150। इसको गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा फिर 300। फिर इधर हो जाएगा 25 × 150। इसका गुणा इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा? ये 600 × 600 × 600 × 6 = 18। कितने रुपये जाएगा अपना? 1800 रुपये जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी संख्या का 4/5, किसी संख्या का 4/5 भाग 4/5 भाग बराबर 64 है। इस संख्या का 50% क्या होगा? इस संख्या का 50% क्या होगा? देखो पहले स्क्वायर करो, 4 × 1 = 4, मतलब 4 × 3 = 24, 16 × 5 = 80। संख्या क्या आई अपनी? 80 आई। कितनी आई? 80। इसका 50%, 50% 2 0 से 2 0 कैंसिल, कटा माना 40। क्या आंसर आएगा? 40। इसका 50% क्या होगा संख्या का? इस संख्या का 50% 40 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना, किसी संख्या का 6% यदि 180 हो तो, किसी संख्या का 6% यदि 180 हो तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? देखिए प्रतिशत चल जाएगा हम नीचे, ठीक। अब किससे कट जाएगा? 6 × 3 = 18, 30 का इंटू इसके साथ करेंगे क्या हो जा रहा है? 3000। क्या आंसर आ जाएगा अपना? क्या आंसर आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 3000 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसी भिन्न के अंश में, मतलब दो पहले, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने पर, 350% की वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर तथा इसके भिन्न के हर में अंश में 300% की वृद्धि करने पर नए भिन्न 9/22 हो जाती है। 9/22 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? अब 100 में हो रही वृद्धि तो जो हो जाएगा 450 और जो हो जाएगा 400। ठीक है, अब भी इसको काटेंगे तो 9 से काट दो, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 50 बार चला गया, 1 0 से 1 0 खत्म, 15 × 8 = 40। ठीक है, बराबर का चिन्ह कर जाएंगे, 4 आ जाएगा इधर, 11 आ जाएंगे, मतलब कि 4/11 क्या आएगा मूल्य भिन्न अपनी? 4/11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब, मतलब 100 है कोई भी चीज माने 100, जिसमें से एक टोकरी है जिसमें से 20% खराब, खराब वालों की संख्या कितनी है? 20%। अच्छे वाले कितने होंगे? 80%। ठीक, खराब वाले कितने हैं? 20%। तो अच्छे वाले कितने होंगे? 80%। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो। खराब आमों की संख्या कितनी बोल रहा है? खराब आमों की संख्या बोल रहा है 35। ठीक, खराब आम कौन से वाले? दिवाले। इसका मान हो गया 35 का टोटल आम चाहिए तो माने 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, ये चल जाएगा 5 बार और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 का 5 =
अगला है दो, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, मतलब कि कितने आम होंगे टोटल 175। कितने आम होंगे कुल आम कितने होंगे 175। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब। अब 100 है, 100 में से 36% क्या हो गया आपने खराब हो गया, तो अच्छे कितने होंगे, अच्छे कितने होंगे 36, खराब है तो अच्छे होंगे क्या 64, कितने होंगे 64% होंगे। अब बोला है उसने, क्या बोला है, यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या कितनी है 144, अच्छे सेबों की संख्या कितनी है 144 हो तो कुल सेब की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अच्छे सेब की संख्या कितनी है 144, अच्छे सेब क्या है 64, 64 का मान होगा कुल माने 100। ठीक है, इसको अपन क्या करें काट दिए, फिर 200 काटेंगे 3 बार, 2 बार जाएगा, फिर चल जाएगा ये 25 बार चल जाएगा, ये 16 बार चल जाएगा, फिर 4 से चल जाएगा ये 4 × 16 हो जाएगा, ये चल जाएगा फिर क्या 4 × 3 = 12 + 2 = 24, 4 × 9 = 36। ठीक है, अब 4 × 9 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 4, अब 9 × 2 = 18 + 4 = 22, मतलब 225 अपना आंसर हो जाएगा। कितने आम होंगे इसमें 225, अच्छे आम होंगे। ठीक है, कुल सेबों की संख्या कितनी होगी 225 होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर को 8%, 15% वृद्धि करें अंश में तो 115 हो जाएगा, 8% कमी करें, 8% कमी करने के बाद 88 हो जाएगा, सॉरी 92 हो जाएगा, बराबर कौन सा भिन्न होता है 15/16 प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा। ठीक, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ठीक है, 5 × 2 = 10, अच्छा 5 × 3 = 15, इधर भी चला गया 23 × 3 = 46, 46 × 2 मतलब 4 बार में चला जा रहा है, 4 बार में, 4 × 16, 3/4 क्या आंसर आ गया अपना, 3/4 प्रारंभिक भिन्न क्या होगी 3/4 होगी। ठीक है, समझ में। अगला क्वेश्चन, चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में 20% वृद्धि करें, मतलब कि 100 थी 20% वृद्धि करें तो 120 हो गया, 20% वृद्धि करें 100 में तो 120 हो गया। ठीक है, गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि उस पर खर्च ना बढ़े, है ना, उस पर खर्च ना बढ़े। अब देखो डिफरेंस कितने का है इसमें 20 का, कम किस पर होगा 120 पर, परसेंट के लिए 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 6 12, ठीक है, 2 से काटे 2 3 6, 50 बार चल जाएगा, 3 × 1 = 3 / 2, 3 6 18, 2/3 कितने प्रतिशत आ जाएगा 16 × 2/3% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी किसमें अंग्रेजी में क्या हुए, अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में गणित में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, ठीक पास हुए। इसके बाद क्या बोला उसने, यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है,
27% विद्यार्थी दोनों विषयों में, मतलब अंग्रेजी और गणित में दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल हुआ है, फेल हुए। तो फेल हुए तो अनुत्तीर्ण रहे तो 2500 सॉरी अनुत्तीर्ण रहे हो तो दोनों विषयों में, तो 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, ठीक, पास हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों की परीक्षा, कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, ठीक है। अभी इसको देखो, 70% इसमें, 65% गणित में, दोनों 27% है, ठीक। तो ये फेल वाले हैं तो इसको फेल ही फेल बनाओ, पास ही पास बनाओ या फेल ही फेल बनाओ, अभी अभी यहाँ फेल होती, यहाँ भी फेल फेल बना दो। 70% पास तो फेल कितने होंगे 100 में, 30 है ना, 65 पास तो 35 के होंगे, है ठीक। दोनों के जोड़े यहां पर कितना तो हो जाएगा, 65 सही हुआ ना, हाँ 65। इसमें से 27 माइनस कर दो, क्योंकि ये 27 अलग से नहीं है, इसी में से माइनस करके क्या बचेगा, 15, 15 7 तो 8, 5 में जो है 3, 38% बचा। शुद्ध वाले कितने बचे, 38, फेल वाले है ना। तो पास वाले कितने होंगे, 100 में अपन मान लो 38% फेल है, पास कितने होंगे 62, कितने होंगे 62%, 62% का मान है 248, 62% का मान है 248, टोटल चाहिए 100, अब काट दो, 2 से काटो, 4 से काटो, इससे काटना काटो, तो ये चल जाए कितनी बार, थोड़ी संख्या काट देते हैं, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 4 8, 31 8, 31 4, 31 4 200, 124, ठीक, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है 400। टोटल विद्यार्थी कितने बैठेगा कक्षा में, 400 विद्यार्थी बैठे, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 400, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए पर्याप्त।